फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान 2 है, ये ईवीएस के लिए है, एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ टॉपिक क्या है, द प्लांट फेरी, ईवीएस का ये चैप्टर है सेकंड नंबर का। इसमें सबसे पहले आपको लिखना नेम ऑफ द ट्रेनी, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ईवीएस। टॉपिक है द प्लांट फेरी। डेट लिखना है, क्लास लिखना है और पीरियड लिखना है, कौन सा पीरियड आपका होता है ना। लेसन प्लान में पूरा इस तरह से लिखा जाता है। फिर टीचिंग मेथड क्या होगी वो लिखी गई है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो लिखे गए हैं यहाँ पर। डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ किया गया है जिससे लेसन प्लान अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लगता है। फिर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में लिखा है। प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्लाइंबर, क्रीपर, ट्री, श्रब, हर्ब, सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनके एग्जांपल दिए गए हैं। अब यहाँ पर इनकी पिक्चर्स, ट्री की व्हाट इज दिस, ये क्या है, ट्री है तो दिस इज़ अ ट्री, इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिख दिए गए हैं, पिक्चर पेस्ट कर दी गई है। श्रब, हर्ब के बारे में भी। फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है कि ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके और उसको समझाया जाएगा बच्चों को। फिर ये है ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, असाइनमेंट, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से लेसन प्लान आप भी बना सकते हैं। इवोल्यूशन क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको इस तरह से मेरे पास मिल जाएंगे, क्लास 3rd to 5th, है ना। आप इनको फर्स्ट सेकंड क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर्स तो लगभग सब सेम ही होते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं उनके लिए भी लेसन प्लान। अब ये है आज द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिस टाइम है उसके नीचे, असाइनमेंट है फिर, और यहाँ पर ये रियल लीफ से ये पेस्ट करके पत्तियों को और बनाया गया, ये एलिफेंट, ये क्या है, माउस है, और फिर यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गैस हु इज़ दिस, ठीक है ना। इस तरह से हम लेसन प्लान बना सकते हैं, ओके। और दूसरे सब्जेक्ट के और इस सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।